मैं एक डेट दो डेट चला हूं, दूसरा आदमी 10 डेट भी चल सकता है। इसीलिए आज जो बृहत बृहत आचार्य देव श्री दादा ने जो उत्सव का जो रूप दिया है, अभी आपने सुना गत रविवार भुवनेश्वर में जो उत्सव हुआ, लाखों लोग वहां समवेत हुए, उसके आगे वाले रविवार में सिलीगुड़ी में हुआ, आज ये जो इस अंचल में हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? एक संख्या नहीं, 1000 10000 दीक्षा दे देना एक संख्या नहीं है। एक दीक्षा का मतलब होता है एक व्यक्ति के अंदर में, उसके अंदर में इंड्यूस कर देना डिसिप्लिन ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ। यदि वो आदमी ठाकुर से युक्त होता है, उसको एक की टू लाइफ एंड ग्रोथ मिल जाता है। बीइंग एंड बिकमिंग जो इनेट हैंकरिंग है हर एक व्यक्ति का, उसको फुलफिलर द बेस्ट मिल जाता है उस पथ पे चलने का। वो आदमी चला जाएगा, वो अपने बच्चे में उसको इम्पार्ट करेगा, उसके बच्चे में इम्पार्ट करेंगे, और इन्वायरमेंट में सारा चीज इम्पार्ट होगा। इसलिए बृहद रूप से जब हम करते हैं तो इस बृहद रूप में मानव जो है फिशर ऑफ मैन बनना है हमें। हम लोग इतने दिनों तक फूल चंदन से हम लोग पूजा करते, ठाकुर जी इस युग में आए, पूजा करने का वस्तु है आदमी। आदमी को समर्पण मैं उनके चरणों में दिया, यही उनके लिए भोग है। और मैं कितने लोगों को उनके पास पहुंचा हूं या खाली हाथ पहुंचा हूं, ये हम लोगों का सोचने की बात है। आचार्य देव इसलिए बहुत पहले से बोले कि घर घर जाओ, परमपिता आए हैं, बचने बढ़ने का सरंजाम लेकर के आए हैं, ठाकुर की बातें पहुंचाओ। वो जब ठाकुर का बात सुनेगा, ठाकुर के पास पहुंचेगा, उसे यदि जीवन में बचने बढ़ने का रास्ता मिलेगा, इससे बड़ा और कोई चैरिटी टू द सोसाइटी टू द मैनकाइंड नहीं हो सकता। मैं यदि ब्लड देता हूं, 1-2 आदमी तक कुछ सीमित है। मैं यदि कोई कंबल बांटता हूं, कुछ जा रहे हैं, कुछ लोग ठिठुर रहे हैं, वो कंबल लेके कुछ बच गए, कुछ उसको बेच के शराब पी लिए, उस चैरिटी से कुछ नहीं होना है। लेकिन हमारे शास्त्र में कहा गया है यदि धर्मदान मैं करता हूं, यदि उसे डिसिप्लिन ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ का सेंटर से हम युक्त कर देता हूं, ये चिरंतन है। इसलिए हम लोगों का बहुत ज्यादा दायित्व बनता है। एक बार ठाकुर के कुछ भक्त तो ठाकुर को बोल रहे हैं, ठाकुर पहले तो आप बहुत कुछ दिखाते थे, पहले चमत्कार वगैरह, आजकल आप कुछ नहीं दिखा रहे हैं ये सब। ठाकुर जी बोले, तुम लोग बहुत फाकीबाज हो गए, तुम लोग चाहते हो फाकी में काम निकालना, ऐसा नहीं है। विधान जो है उसको पालन करते हैं, वही है विधाता। ठाकुर जी का मिरेकल मिस्टिसिज्म है धरो करो हो और पाओ। पहले धरो, फिर करो, फिर तुम बनो, फिर तुम पाओ, यही है मिरेकल। आगे बीज है, फिर गाछ है, फिर फूल है, फिर फल है, पूरा प्रकृति में इसका व्यतिक्रम नहीं है। क्या धरना होगा, किससे युक्त होना होगा, जो हमें फुलफिल द बेस्ट जो हो, जो हमें कर सके। मेरा जीवन में यदि कोई आदर्श नहीं है तो मेरा जीवन एक स्ट्रीट डॉग के जैसा है, खा रहा है, पी रहा है, लाठी खा रहा है, वोमिट कर रहा है, फिर खा रहा है। और मास्टर डॉग क्या करता है, वो जो खाएगा, क्या खाने से स्वस्थ रहेगा, मालिक नहीं बोलने से नहीं खाएगा। इसलिए मुझे चूज करना है, मैं मास्टर डॉग बनूंगा या स्ट्रीट डॉग बनूंगा। और है ठाकुर जी एग्जाम्पल देते हैं, लावारिस माल बनकर के जीवन में रहोगे या मालिक का माल बनकर के रहोगे। लावारिस माल में सब लोग ठोकर मारते रहते हैं, लेकिन मालिक का माल यदि बना रहेगा, कोई ठोकर मारने से वो उसको रोक देगा। तो आप वृत्ति प्रवृत्ति का ठोकर खाते हुए सारा जीवन बहन करेंगे, या आप मालिक का माल बनकर के जब भी ठोकर लगेगा वह आपको बचाएंगे। जीवन का 2 पथ है, मेरा जीवन या तो एक्सेंट्रिक होगा या कंसेंट्रिक होगा। मेरा जीवन में जीवंत आदर्श होगा तो मेरा जीवन कंसेंट्रिक होगा, आज जीवंत आदर्श नहीं होगा तो एक्सेंट्रिक होगा, चाहे हम जितना भी पूजा पाठ जो भी क्यों ना करें।
मैं पूजा कर रहा हूं अपने मुताबिक, यानी मेरे प्रवृत्ति के मुताबिक। मेरा प्रवृत्ति जैसे हमें गाइड करता है मैं वैसा पूजा करता हूं। अब देखिए, राम की पूजा करते हैं राम के मुताबिक नहीं, राम जो बोले क्या बोले, जो लोग पूजा कर रहे हैं पूछिए नहीं मालूम, मेरा मन जैसा कहता मैं कर रहा हूं। कृष्ण की पूजा करते हैं उनके मुताबिक नहीं, अपने मन के मुताबिक। दुर्गा की पूजा करता हूं दुर्गा के मुताबिक नहीं, जो अपने माँ की पूजा नहीं करते वो दुर्गा की पूजा ज्यादा करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं पूजा शब्द आया पू मैने वृद्धि जा मैने गुण, जिनकी पूजा करते हैं उनको उनके गुण को अपने अंदर समृद्ध करना। यदि दुर्गा माँ का यदि मैं गुण जानता तो अपनी माँ की मैं पूजा करने लगता। हम गणेश की पूजा करते हैं, गणेश को माँ पिता के प्रति कितना प्रेम श्रद्धा था, लेकिन देखिए जहां ओल्ड एज होम बहुत ज्यादा है वहीं गणेश की पूजा ज्यादा होती है। तो क्या विकृति कहां तक आ गई है? तो ये स्थिति जब होती है उसी समय जो सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं, जो कॉज ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ होते हैं, वो उनका एडवेंट होता है। वो एक प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, उनका प्रोजेक्ट 10 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़ बनाना नहीं है, उनका प्रोजेक्ट है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। जब तक उनसे चुक्त नहीं होता है उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है, क्योंकि सबके बचने बढ़ने का सरंजाम लेकर के वो आते हैं, वो डिसिप्लिन लेकर के आते हैं, उनके साथ अटैच होना होगा, वो मनुष्य का भिखारी बन के आते हैं। हर आदमी को उनके साथ कनेक्ट करना है। मैं कनेक्ट हो जाता हूं, मेरे बच्चे कनेक्टेड नहीं है, क्यों भाई? कि नहीं अभी इस उम्र में तो पढ़ाई लिखाई करेगा बाद में, मेरे अंदर प्री ऑक्यूपाइड धारणा है, धर्म बुढ़ापा की चीज है, धर्म बुढ़ापा की चीज नहीं है। यदि मैं अपने ढंग से भटकू आसनसोल में, जान लौटने के समय कोई आसनसोल का मैप देगा तो मेरा काम में नहीं लगेगा, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए रोड मैप ऑफ लाइफ उसको यंग एज में यदि हम दे देते हैं तब वो नहीं भटकेगा। तो हमें यह जानने की जरूरत है कि ठाकुर जी के जैसा एक लिविंग आइडियल यदि जीवन में आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी आप ये माझीदास से घटना सुने, श्रीधर दास से सुने कि एक लिविंग अटैचमेंट यदि हमारे जीवन में होता है, ये जो सोर्स है श्री ठाकुर है उनका लिविंग पोटेंशियल है आचार्य देव। ठाकुर जी कहते हैं इज्म और आइडियोलॉजी कैन नॉट ड्राइव ए पर्सन, अटैचमेंट टुवर्ड्स द पर्सनैलिटी इन हुम इज्म इज मैनिफेस्टेड दैट ड्राइव्स ए पर्सन। कोई वाद कोई नीति किसी को ड्राइव नहीं करता है, वो नीति वो वाद जिसपे जीवंत है उनके प्रति यदि मेरा अटैचमेंट होगा तब मेरा जीवन में सुधार आएगा। इसीलिए एक लव सेंटर एक हमारा चाहिए, लिविंग लव सेंटर। वो लिविंग लव सेंटर जब होगा तभी मेरा जीवन में मेरा अनुराग उनके प्रति जब होगा तो मेरा वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रित होगी। दिस इज द मैकेनिज्म। यदि हम रियली अपने अपने जीवन को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने ह्यूमन एलिमेंट्स को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ऐसा एक लव सेंटर से युक्त होना होगा। इसलिए ठाकुर जी ने कहा धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाते हैं अनुराग, अनुराग से होता है वृत्ति नियंत्रण। आदमी है कहां? आदमी का मतलब क्या है? कोई प्रोफेशनल नहीं, एक साइंटिस्ट एक आदमी नहीं भी हो सकता है, एक 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 इंजीनियर एक आदमी नहीं भी हो सकता है, डॉक्टर एक आदमी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर साइंटिस्ट ये सब प्रोफेशन है। ही विल हैव टू लीड ए लाइफ ऑफ ए गुड सन, गुड फादर, गुड हस्बैंड, गुड वाइफ। वो कहां से आएगा? उसका डिसिप्लिन कहां से आएगा? वो कोई यूनिवर्सिटी में, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में, कोई मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाता है। उसके लिए ऐसे जो सोर्स ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ है ऐसे अटैच होना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है। आई हैव सीन पर्सनली फ्यू हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो जिनका जीवन क्या था रत्नाकर के जैसा था, जो वाल्मीकि में ट्रांसफॉर्म हुए हैं।